गांवा थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र के सुदूरवर्ती गांव झुमरझारा वन भूमि पर संचालित अवैध देसी शराब के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाकर 25 ड्रम तैयार जावा महुआ को नष्ट कर दिया है। यह अभियान थानेदार अनिल कुमार ने वरीय पदाधिकारियों को मिली गुप्त सूचना के आधार पर चलाया है। इस संबंध में थानेदार अनिल कुमार ने बताया कि झुमरझारा जंगल के वन भूमि पर संचालित एक अवैध शराब भट्टी को ध्वस्त कर 25 ड्रम तैयार जावा महुआ को भी नष्ट कर दिया गया। साथ ही सभी ड्रम को कुल्हाड़ी से काट कर उसमें रखे माल को नष्ट किया गया है। कार्रवाई के दौरान अवैध शराब धंधेबाज भागने में सफल रहे। कहा गया कि लगातार पुलिस का यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। वहीं संचालक का नाम पता लगाया जा रहा है। बता दें कि गांवा प्रखंड के सुदूर जंगलों में दर्जनाधिक अवैध शराब भट्टी संचालित है। सभी भट्टी वन भूमि पर ही संचालन हो रहा है, जहां जंगल से लकड़ी काट कर भट्टी के प्रयोग में लाया जाता है। उक्त तैयार महुआ शराब को जंगल के रास्ते से बिहार भेजा जाता है। शराब बनाने के दौरान स्पिरिट का भी प्रयोग किया जाता है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि गांवा और मालडा एवं पेहरा बाजार में संचालित सभी होटलों में देसी के साथ साथ अंग्रेजी शराब परोसा जा रहा है। अधिकांश समय होटलों में शराब पीते लोग देखे जा रहे हैं। जल्द ही इन होटलों में छापेमारी अभियान चलाकर होटल संचालकों पर कार्रवाई की जाएगी। वरीय पत्रकारी के आदेशानुसार गांव थाना क्षेत्र में अवैध देसी शराब के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के द्वारा ही डुमरझरा जंगल में अवैध देसी भट्टी के विरुद्ध अभियान चलाया गया। लगभग 25 ड्राम में महुआ जवा रखा हुआ था, जिसको नष्ट कर दिया गया। कुल्हाड़ी से सभी ड्राम को नष्ट कर दिया गया। वहाँ पर कोई तैयार माल नहीं मिला। जो इस धंधे में संलिप्त है उनको चिन्हित किया जा रहा है, तो उसके बाद विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मैं लोगों से अनुरोध करता हूँ कि नए साल शांतिपूर्वक मनाए, हाउस फुल बुलाए, ताकि दारू का सेवन कम करें। इसी के अभियान में शहर के भी होटलों में छापेमारी किया जाएगा, ताकि लोग अपना नए साल का हर्षोल्लास के साथ मना सकें।